कई फार्म भरे जा चुके हैं, जिन्होंने अजे फार्म नहीं भरे वो कृपा करके जरूर फार्म भर दौ। हुण मैं भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी ढिल्लों अगर इत्थे हैगे ने ते ओ उन्हां अगे बेनती करदा कि संतां नूं आके कविता सुनाउण। हाँ जी पहला वो कहिंदे ने कि पहला अपने सरदूल सिंह जी क्वात्रा तो असीं नां जरूर सुनिया होएगा, बड़े मशहूर कलाकार ने, वो आप जी ने एक शब्द वो पहला वो सुनाणगे, फिर ढिल्लों साहब आप जी नूं कविता सुनाउणगे। सरदूल सिंह जी क्वात्रा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं आज महाराज जी के गुरपुरब से सबनों बधाई देना। आज के दिन लोग खुश भी होंगे ने पर मैं उदास भी हो जाना, क्योंकि मैं लिखा सी एक वक्त ते खुशी भी है ते गम भी है, ये दर्दा भरी कहानी है, जिस धरती ते जन्म लिया वो धरती अज बेगानी है। और मैं सारी उम्र फिल्म लाइन दे विच काम कीता है, लेकिन जिंदगी पहला शब्द जड़ा है कंपोज कीता है इत्थे, उसी सौ सौ होके लैना मां जद याद आवे ननकाना, वो मोहम्मद रफ़ी ने गाया सी, ढिल्लों साहब ने लिखिया सी, उन्हें बड़ी मेहर से मेहरबानी की थी, मैंने शब्द दिता और फिल्म लाइन दे विच शब्दों का रवाज होया। उस तो बाद नानक नाम जहाज पिक्चर बनी, उस विच काम कीते, मैं बड़ा मशहूर हाँ ढिल्लों साहब का। और सुरिंदर जी जी बाजवा जड़े ने उन्हें जिस तरीके ने इंट्रोड्यूस करवाया बड़ी मेहरबानी। और इकबाल सिंह रंधावा साहब जड़े ने वो भी बड़े मेहरबान ने साढ़े, और रतू जी ने खासकर मैं याद किया, मैं हाजिर हो गया, मैं उन्होंने खिदमत दे विच भी यह अर्ज करांगा कि सिखी जीवन वधाउण वास्ते मैं फिल्म लाइन छड़ के या फिल्म लाइन के लंबड़दार नहीं बना के क्यों आया, गुरु ग्रंथ साहब की टाइप के पिक्चर बना रहा, क्यों मैं बहुत वड्डा मेहना मिलिया सी कि सिख सिखा की औलाद आने वाले वक्त एक्सट्रीमिस्ट कहलाएगी, जिहड़ा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। और मैं पिक्चर बनाई खेडा संजोग दी गुरु ग्रंथ साहब से बनाई सारी, उस तो बाद हूँ जी पिक्चर बना रहा युवा सिटी के बच्चों की शहीदी से शहीदी नाम के उत्ते, और ढिल्लों साहब मदद कर रहे हैं सक्रिप्ट लिख के, रितु साहब भी मेरी मदद कर रहे हैं, इकबाल रंधावा भी और सारे गुरबचन सिंह भी सारे जितने भी ने मेरे यार दोस्त मदद कर रहे हैं। और मैं खुद फिल्मा बना के दस गुरु मैं वाशिंगटन भी जाके कांग्रेसमैन वंड के आया दसन वास्ते कि सिखा की कुरबानी तक के दुनिया का दिल कमेगा, खालसे वर्गा शेर किसी नहीं जमया ना कोई जमेगा, ये लिख के उन्होंने दस के आया। सो मेरा ये हुई मेरे जज्बात ने जड़े कि मैं थोड़े कदमों च रख रहा, और मैं तुम भी अर्ज करा कि वो तो बच्चों पूरी तालीम दो, साढ़े दस गुरु कौन सन, उसकी मैं फिल्म भी बनाई एक छोटी, वो भी मैं तुम्हें प्रेजेंट करने भी तैयार हाँ गुरुद्वारे, मैं कुछ पैसा नहीं चाहिए, उस बड़ी बाबे की मेहरबानी है, बड़ा कुछ सारी उम्र कमाए फिल्म लाने तो मैं कोई उत्साह नहीं इस चीज़ की। बाकी मैं ढिल्लों साहब का फिर मशहूर हाँ कि उन्होंने मैं अच्छे अच्छे सबजैक्ट लिखन का वादा किया है, अच्छे अच्छे चीज़ा मैं दे रहे हैं, तो हूँ मैं थोड़े अगर जी चीज़ रख रहा वो बाबा जी की याद के विच, क्योंकि मैं इस दिन उदास हो जाना क्योंकि जिस धरती से जन्म लिया वो धरती अज बेगानी है। इस दे उत्ते मैं एक चीज़ तुम पेश कर रहा, मैं हाजिरी लवा आया, मेरी हाजिरी कबूल करो गुरु महाराज के दरबार के विच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा।
पतझड़ दियाई जो ही रुत पतझड़ दियाई बाग बहारों खाली सी इथे फूल इथे सनकलियां रो रो के दा माली सी तेरे बाग विच पतझड़ आई है तेरे बाग विच पतझड़ आई है बाबा ननकाने वालिया तेरे बाग विच पतझड़ आई तेरे बाग विच पतझड़ आई बाबा ननकाने वालिया तेरे बाग विच अपनाई कर जो बेगाना अज हो गया अपनाई कर जो बेगाना अज हो गया अज ननकाना साड़ी अखियां चो खो गया अज ननकाना साड़ी अखियां चो खो गया चढ़ी हंजुआं दी अखियां ने लाई चढ़ी हंजुआं दी अखियां ने लाई ठंड वर तौन वालिया तेरे बाग विच पतझड़ आई बाबा ननकाने वालिया कदी असी ननकाने जावांगे ओ अज अपना देश बेगाना होया साडा तरसे दिल निमाना सो सो हो के लेना वा जद याद आवे ननकाना मुड़ के कदी असी ननकाने जावांगे तेरा जन्म दिन ओथे चा मनावांगे तेरा जन्म दिन ओ तेरा जन्म दिन ओथे चा मनावांगे साड़ी तोड़ी दे ओ साड़ी तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे साड़ी तोड़ दे जमा दी फाई वे मक्के नू पवान वाले तेरे बाग विच पतझड़ आई तेरे बाग विच पतझड़ आई बाबा ननकाने वाले तेरे बाग विच अपना ही कर जो बेगाना अज हो गया अपना ही कर जो बेगाना अज हो गया अज ननकाना साड़ी अखियां चो खो गया अज ननकाना साड़ी
अखियां चों खो गया, अखियां चों खो गया, चढ़ी हंजुआं दी अखियां ने लाई है, चढ़ी हंजुआं दी अखियां ने लाई है, ठंड वरदान वालिया तेरे बाग विच पतझड़ आई है, तेरे बाग विच पतझड़ आई है, बाबा ननकाने वालिया तेरे बाग विच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। अज मैं थोड़े अगे यही अरदास करांगा कि अज मेरी हाजरी ला लो। मैं यूबा सिटी तो सैक्रामेंटो तो आया, तो मैं सिर्फ हाजरी लवाण आया, अज के दिन थोड़े दर्शन करना आया। मेरे दर्शन हो गए, हाजरी लग गई, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं ढिल्लों साहब का मशहूर हाँ, उन्होंने एडे प्यार दे नाल मैनूं गाना लिख के दिता, और मैं उन्हें अगे यही रिक्वेस्ट करांगा कि अगों तो भी मैनू इस तरह लिख के देंदे रहन, ताकि मैं हूँ अगली पिक्चर मेरी आ रही है शहीदी, मैं तुहाडे नाल वादा करके जा रहा शहीदी बनेगी, और मैं रितु साहब की भी हैल्प लाँगा, तुहाडे रंधावा साहब की भी, ढिल्लों साहब की भी। मैं ये पिक्चर बच्चों की शहीदी से बनाई है, डाकूमेंट्री है, तकरीबन बन गई है, 15 दिन होर लगनगे, लेकिन एक बार मैं वेखांगा तुहाडियां अखां दे विचों अथरू, क्योंकि उसकी पहली लाइन ही जिसले बच्चे शहीद हो रहे ने, वो मैं सिर्फ सुना देना, इस करके कि बाबा जी के आशीर्वाद लैके जा रहे हैं। जिसले बच्चों नीह चुना ने उत्थे जिहड़ी गाना लिखिया है ढिल्लों साहब ने, निकंदे सरहंदे दस मैनू, हाय निकंदे सरहंदे दस मैनू, कुछ तरस ना आया सी तेनू, बाजा वाले दे दो लाल लिटनिया च खला, बाजा वाले दे दो लाल लिटनिया च खला, नी तू किसे दीना सुनी सी पुकार, नी तू किसे दीना सुनी सी पुकार, हाय निकंदे सरहंदे दस मैनू। मैं शुरू किया है गाना, शब्द की सूरत दे विच आएगा, लेकिन इनू असीं गीत कहने हैं क्योंकि गुरबाणी का लेख नहीं है। इस करके मैं हाजरी लुआ चलिया इस गीत की, और मैं अगले हफ्ते रिकॉर्ड करांगा, और वह भी बॉम्बे के अच्छे कलाकार तो कोशिश करांगा कि अच्छे कलाकार तो रिकॉर्ड होवे, और ये गाना घर घर के बजे। मेरा ख्याल अज मैं इजाजत दो, अज मेरी इन्नी हाजरी कबूल करो। मैं हर साल की तरह गुरु महाराज के चरणों च हाजरी लुआ चलिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ढिल्लों साहब का फिर शुक्रिया। गुरु प्यारे साहिब सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। क्वात्रा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने एक बड़ी दर्दनाक जी कविता सुनाई, जो बहुत सच्चाई है कि ननकाणा साहब सिखां तो दूर हो गया। यही नहीं कि साहब श्री गुरु नानक